जब भी हम लोग वन पीस के बारे में बात करते हैं तो यार वहां पर एक ऐसी दुनिया जहाँ पे पायरेट्स हैं जो समुंदर पे राज करते हैं, वहीं उन्हें रोकने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट है, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट ही साली कमीनी है। साथ ही साथ एक ऐसा वर्ल्ड आता है जिसका आधे हिस्से पे वर्ल्ड गवर्नमेंट रूल करती है तो दूसरे हिस्से पे योंकोस का राज चलता है। और अगर हम लोग बात करें इस सीरीज के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है मंकी डी लूफी, जिसका ड्रीम है पायरेट किंग बनना। अब हाँ, ये इसका असली वाला ड्रीम नहीं है, इसका कुछ और ड्रीम है जिसको लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो, कहीं पर भी अभी तक ओडा ने नहीं बताया कि लूफी का ट्रू ड्रीम क्या है, और बहुत सारे वन पीस फैंस को यही लगता है कि लूफी वन पीस खोज लेगा, वो पायरेट किंग बन जाएगा तो वन पीस खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लूफी का ट्रू ड्रीम कुछ और ही, सिर्फ वन पीस खोजना, पायरेट किंग बनना, जो कि वो हर बार चिल्लाता रहता है काइजुको नियोरेवा नारू, ये बस एक पहला कदम है उसके ड्रीम की ओर। एक्चुअल में इसका ड्रीम ना बहुत ही ज्यादा बड़ा है, वो सिर्फ पायरेट किंग नहीं बनना चाहता। तो आज जो है हम कुछ पॉइंट्स के साथ उसके ड्रीम को अंदाजा लगाने का ट्राई करेंगे कि आखिर उसका ड्रीम क्या हो सकता है। खैर देखो, आज से पहले बहुत सारे इसको लेकर के वीडियोस बन चुके हैं, इंडियन वन पीस कम्युनिटी हो या फिर फॉरेनर्स की बात करूँ, बहुत सारे वीडियोस बने हैं लूफी का ट्रू ड्रीम क्या हो सकता है, वो क्या करना चाहता है वगैरह वगैरह। सबसे पहले जानते हैं कि लूफी के क्रू मेंबर्स का ड्रीम क्या है। तो लूफी के क्रू मेंबर्स का अलग अलग ड्रीम है, जैसे जोरो को तलवारबाज बनना है, दुनिया का बेस्ट वही चल जाए, नामी की तरफ तो नामी को मैप ड्रॉ करना है, सांजी को ऑल ब्लू खोजना है, उसोप को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट वॉरियर बनना है, चॉपर को वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर बनना है, इसी टाइप का कुछ इन लोग का ड्रीम भी है। और हाँ, रॉबिन को तो भाई इसको तो हम लोग सब जानते हैं इसका ड्रीम क्या है, इसके बिना तो लूफी खुद अधूरा है। खैर बात करते हैं लॉ की, जो कि लूफी का अलायंस मेंबर है, ये जानना चाहता है विल ऑफ डी के बारे में। तो वही बात करूं अगर मैं यूस्टास किड की, तो भाई ये बंदा ना वन पीस नहीं खोजना चाहता है, ये अपना नाम कमाना चाहता है भाई, ये चाहता है कि पूरी दुनिया इसका नाम जाने। अब बात करते हैं लूफी के ड्रीम को लेके, तो देखो लूफी का ड्रीम ना इन लोगों से अलग नहीं हो सकता। और अभी मैं इनका एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं वन पीस के बाकी कैरेक्टर्स का भी एग्जांपल दूंगा, और खास कर तो मैं इस आर्क के विलन्स का एग्जांपल दूंगा, बिकॉज इस वीडियो का आइडिया भी वानो आर्क से लेकर के ही आया, मतलब इससे पहले भी आता था पर इतना ज्यादा जानने को नहीं मिलता था, पर यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें और ज्यादा अच्छे से जानकारी सुनने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं लिनलिन की, हम सबको पता है बिग मॉम, इसके कितने हस्बैंड है, कितने बच्चे हैं, हम सभी को पता है। इसका ड्रीम क्या था, किंग ऑफ सीज बनना, जो कि हमें काइडो और लिनलिन का पास दिखाया जाता है उस वक्त हमें जानने को मिलता है। बट ये भी लूफी की तरह ही है, मतलब लूफी को जैसे पायरेट किंग बनना है वैसे ही लिनलिन का ये सपना है किंग ऑफ सीज बनना, पर जिस तरह से लूफी का एक अलग सा रियल सपना है उसी तरह से इसका भी एक रियल सपना है। कभी तुम सोचे हो लिनलिन इतने सारे अलग अलग प्रजातियों के बच्चे क्यों चाहती है? पुडिंग का तो चलो एक टाइम के लिए समझ में आता भी है कि भाई तीन आंख वाली लड़की है, इसके पास पावर है, अगर ये अपने आंख को अवेकन कर ले तो वो पानी के लिए रीड कर सकती है। बट जरा तुम लिनलिन के कैरेक्टर पे गौर करना, भले ये मतलब ही बुढ़िया है, पायरेट है, जो भी है, लेकिन इसका भी ना ट्रू ड्रीम कुछ अलग सा है। जैसे ये एक ऐसी जगह बनाना चाहती है जहाँ पर हर तरह के प्रजाति के लोग रह सके और वो भी बिंदास रह सके। क्या वन पीस के वर्ल्ड में अभी के टाइम पे ऐसा है कोई शांति से रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लूनारियन को ले लो भाई, उसको देख लिया सीधा एक्सपेरिमेंट करने। अभी के टाइम पे अगर लिनलिन के बात करूं, सिर्फ दो प्रजातियां नहीं है उसके पास, एक जायंट, दूसरी लूनारियन। अब मैं बात करना चाहूंगा काइडो को लेके। देखो काइडो का सपना है एक बड़े वॉर में हिस्सा लेना, लेकिन इसका भी मेन मोटिव कुछ और है। इसको एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां पर सब फ्रीली रहें, प्लस किसी के साथ भेदभाव ना हो। और ये बंदा भी भाई सेलेस्टियल ड्रैगन को भाव नहीं देता, वो सेलेस्टियल ड्रैगन से सख्त नफरत करता है। मतलब हाँ, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर काइडो और लिनलिन ये लोग जिंदा बचते हैं तो ये लूफी का साइड से ही फाइनल फाइट में वॉर करेंगे, बिकॉज बहती गंगा में कौन नहीं हाथ धोएगा, जरूर धोएंगे ये लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लूफी का ड्रीम इन लोग से अलग नहीं हो सकता। अब देखो लूफी के क्रू में भी मैंने कुछ कैरेक्टर्स के जो ड्रीम्स बता दिए, जैसे सांजी का ड्रीम ऑल ब्लू। अब देखो सांजी ने कहीं पे ऑल ब्लू के बारे में सुन रखा या कह लो पढ़ रखा, जो भी किया है, मतलब किसी जमाने में ऑल ब्लू था तभी तो इसने सुना है, जो कि एट द एंड बन ही जाएगा। वही बात करूं नामी को लेके, वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करना है, जो कि आराम से वो कर देगी वन पीस के एंड तक। पर यहाँ पे दो कैरेक्टर्स के जो ड्रीम है वो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे
जोरो का ड्रीम है और उसोप का ड्रीम है, इनका इतना मायने नहीं रखता है लूफी के ड्रीम से, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, लूफी के साथ साथ जोरो भी स्ट्रांग बनेगा, वो आगे जाके तगड़े स्वॉर्ड्समैन को हराएगा तो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन या स्ट्रांगेस्ट स्वॉर्ड्समैन वो बन जाएगा। वही बात करूँ उसोप की, तो उसोप को कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे उसका ड्रीम भी पूरा हो जाए, मतलब कोई ब्रेवरी वाला काम कर दे भाई, सीना चौड़ करके। ऐसे ही जितने टाइम से उड़ा मजाक कर रहा है इसके साथ, इसके और बग्गी के साथ, वैसे बग्गी के साथ तो कुछ अलग ही सीन हो गया, पर इसके साथ जो चीज चल रहा है कहीं कहीं। खैर अब जरा तुम गौर करो, लूफी का जो ड्रीम है ना वो कुछ ऐसा है कि बाकी लोगों को वो बताए तो उनको ये बात हंसी आती है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इसे सीरियसली लेते हैं, जैसे कि रॉजर, उसका भी ड्रीम लूफी के ड्रीम के जैसे ही था और दोनों ने सेम बात बोली थी। इस बात को कंफर्म यामाटो खुद करती है मांगा में, और जिन लोगों ने 1015 एपिसोड देखा है एनिमे का उनको तो ये बात और अच्छे से समझ में आएगा। वहीं अगर मैं बात करने जाऊं उस आइलैंड की जहां पे वन पीस गड़ा हुआ है या फिर जो भी है राफ्टेल आइलैंड, वहां जरा तुम ध्यान देना, जब रॉजर का क्रू वहां पे पहुंचा था भाई, उसको रीड करने के बाद वो लोग हंस पड़े थे, बट रॉजर उसको देख के हंसा था, बाकी मेंबर्स भी देख के हंसे थे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लूफी जब उस चीज को देखे भाई वो उसको सीरियसली ले, ना कि उसको रीड करने के बाद वो हंसे, बिकॉज हम सबको पता है लूफी कौन है। कभी भी रॉजर को जॉय बॉय नहीं बोला गया, लूफी को जॉय बॉय बोला गया है, तो हम सबको मालूम है यार रॉजर और लूफी दोनों अलग अलग है, भले ही लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, विल को फॉलो कर रहे हैं, बट दोनों इंसान अलग अलग हैं, जॉय बॉय और रॉजर डिफरेंट है। तो हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि जॉय बॉय जो 800 साल पुराना वाला जो जॉय बॉय था, उसने अगर इस खजाने को गाड़ा है, मतलब वहां पे जो कुछ भी लिखा है और हो सकता है कि यहाँ पर किसी तरह का कहानी हो या फिर जो कुछ भी हो, उसको देखने के बाद लूफी का कुछ अलग ही रिएक्शन होगा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यार लास्ट में लूफी रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करेगा, फिशमैन आइलैंड भी तबाह होगा, नोवा शिप को काम दिया जाएगा। भाई वन पीस बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना आसान नहीं है कि हम लोग अंदाजा लगा ले कि लूफी का कोई ड्रीम ऐसा हो सकता है। हाँ मैं ऐसा कह सकता हूँ लूफी का ड्रीम कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसमें शायद वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता होगा जहां पर काइडो का भी ड्रीम पूरा हो सके, लेलिन का भी ड्रीम पूरा हो सके, वन पीस के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब का ड्रीम उसके एक ड्रीम से पूरा हो सके। और हाँ अभी तक हमें जो है सैंक्स का ड्रीम भी नहीं बताया गया है, तो हाँ आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हमें सैंक्स का भी ड्रीम पूरा होता हुआ नजर आए। तो बस एट द एंड यही बोलूंगा, लूफी का ड्रीम कुछ ऐसा हो सकता है वन पीस के जितने भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है उन सबके जो ड्रीम्स जो हमें दिखाए गए हैं उन सबके ड्रीम को मिला करके लूफी का ड्रीम बनता होगा, और लूफी की दुनिया में उन सभी के ड्रीम्स पूरे होते होंगे। खैर तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, इसको लेके क्या ऐसा हो सकता है, जरा कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलना। और हाँ वीडियो पसंद आया लाइक करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और हाँ मुझे कुछ भी सवाल पूछना है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।